बाले ग्रोइंग स्ट्रक्चर है और इसे कंटीन्यूअस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सो एज अ डाइटिशियन आपका क्या रिकमेंडेशन होता है उनके लिए जो हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं? सबसे पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजती हूं। ओके, हम कहते हैं गाइस अभी क्या, ओके ऑलराइट। सो व्हेन समबडी हैज हेयर लॉस, जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट एक्ने, वी नीड टू रियली फिगर आउट कि उसका रूट कॉज क्या है, राइट? सो रूट कॉज में मतलब एक्चुअली हो सकता है वो जेनेटिक है, हो सकता है कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म है या एलोपेशिया है, या वो किसी प्रोलॉन्ग इलनेस से रिकवर किया, जैसे कोरोना के बाद बहुत लोगों ने बोला कि 3-4 महीने बाद बहुत ज्यादा बाल गिर रहे थे, वो हेयर लॉस नहीं है, बेसिकली हेयर शेडिंग है, राइट? इल्यूजन इल्यूजन ऑफ ब्यूटी, राइट? सो वी नीड टू रियली फिगर दैट आउट कि कॉज क्या है। देन कमिंग टू द डाइट न्यूट्रिशन पार्ट, कि डेफिशिएंसीज तो नहीं है किसी भी न्यूट्रिएंट की, प्राइमरली वी टॉक अबाउट प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बायोटिन जिसको विटामिन एच भी कहते हैं, विटामिन सी, देन मोस्टली आयरन या सीरम फेरेटिन स्टोर्स कम है डाइट में। सो आई डू टेल देम कि आयरन, अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है बट फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, सो हीमोग्लोबिन है जो आप देख रहे हो, बट आयरन या सीरम फेरेटिन का मतलब है कि बैंक में कितना मेरे पास आयरन है। सो बॉडी इज नॉट, जब बॉडी के पास कम आयरन होता है तो वो उसको हेयर पे नहीं भेजती है, इट विल यूज इट फॉर द अदर वाइटल फंक्शंस। सो मेक श्योर कि सारे आपके न्यूट्रिएंट्स ठीक है कि नहीं। हाउएवर नाउ अगेन कमिंग टू द हैक्स एंड द डाइट चार्ट, आई वुड टेल देम कि आप जैसे अर्ली मॉर्निंग कॉपर वेसल वाटर जरूर पीना, ओके? कॉपर चार्ज वाटर, मतलब अगेन हमने सुना हुआ है कॉपर वेसल वाटर पियो, बट उसके बेनिफिट्स क्या है, स्पेशली फॉर द पर्सन हु गॉट हेयर फॉल? सो कॉपर वेसल वाटर आप पियेंगे तो this acts as a catalyst to take out the iron compound from RBC, okay, and give it to you. So iske aap pe aapke baal better honge, and then chew 6-7 kari patta, that enhances the keratin protein hai, amino acid hai, to usme help karta hai. Then for the breakfast, again take some spinach mushroom dal ke 2-3 ando ka omelet banane hai, aap sath mein sourdough toast le lijiye, kala chana chaat le lijiye, oatmeal again is a good choice, usme nut seeds fruits wagera dal ke jo aap lete hain, spinach avocado ka smoothie bahut acha hai, plant milk ke sath le sakte hain. Mid morning mein ABC juice would be good, and ABC juice can be apple, beetroot, celery, or it can be amla, beetroot and coriander, okay, so, jo bhi available. So take that, तो आमला पानी कुछ और है तो आमला का पानी जरूर पी लीजिए। लंच के लिए टेक सैलेड सब्जी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, एंड रोटी में रोटी की बजाय सत्तू का पराठा ले लो ताकि थोड़ा प्रोटीन एनहांस हो जाए, राइट? अदरवाइज सिंपल सब्जी रोटी, सब्जी दाल एंड कपली रोटी हम बात कर रहे थे, एंड अगेन द ग्रिल चिकन विद सम ब्राउन राइस और सम रोटी इज अ गुड ऑप्शन। शाम को इट इज अ गुड आइडिया, स्नैकिंग का दिल करता है तो उस टाइम पे स्वीट पोटेटो इज अ गुड स्नैक, विटामिन ए है विच इज गुड, अदरवाइज कैरेट या सेलरी स्टिक्स ले सकते हैं हमस के साथ, दैट आल्सो मेक्स फॉर अ गुड स्नैक। राइस केक्स आते हैं द न्यूट्रल इन टेस्ट, जैसे हम मूढ़ी खाते हैं आफ्टर राइस, वैसे राइस उसी तरह से राइस केक आते हैं, उसके ऊपर आलमंड बटर लगा के ताकि आपको बायोटिन मिल जाए, राइट? देन फॉर द डिनर अगेन इट इज द बेस्ट इज टू टेक फिश और चिकन और पनीर और टोफू विद सम सॉल्टेड वेजिटेबल्स एंड मे बी हैंडफुल ऑफ कटोरी फुल ऑफ राइस। बेड टाइम पे इट बी वाइज टू टेक सम नट मिल्क और उसमें टर्मरिक और पेपर डाल के, ओके? सो नट मिल्क से अगेन आपको बायोटिन मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा, टर्मरिक और पेपर डालने से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, टर्मरिक इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, मगर आप जब लोग कहते हैं हल्दी दूध पियो वो ऐड करना भूल जाते हैं, इसमें काली मिर्च जरूर डालो, अच्छा, ताकि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ हल्दी तभी होगा जब उसमें पेपर होगा, ओके? सो यू कैन टेक दैट, नहीं तो दूध ले लो और उसमें आप थोड़ा सा सिनेमन एंड हनी डाल दो जिससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, ओके? सो दीज आर द वंस, एंड द डोंट्स हेयर वुड बी नॉर्मली जैसे गीले बालों में कंघी करना, बहुत अच्छे से उसको टाल से विग्रेसली आप मसाज करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटिव। देन एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई एम श्योर आप कहते हैं कि जब हेयर फॉल हो रहा है तो ऑयलिंग नहीं करो, सो दीज आर द गाइडलाइंस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट नट मिल्क, वो होता क्या है, नट मिल्क क्या होता है? नट मिल्क इज आमंड मिल्क हो गया, कैशू मिल्क हो गया, ओके? वीगन मिल्क या वीगन मिल्क, ओके? बहुत सारे पेशेंट्स को हम कहते हैं टू कंज्यूम नट्स फॉर देयर हेयर फॉर द ऑप्टिमल यू नो मिनरल एंड विटामिन इनटेक, लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो हम बहुत बार सुनते हैं कि सोक करके खाना चाहिए, गर्म होता है इस मौसम में, गर्मी में उसे सोक करो, तो इसका कितना सच है और हाउ डिफरेंट इज सोक्ड फ्रॉम दैट इज एंटी न्यूट्रिएंट? तो जब हम ये बिना सोक के खाते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो न्यूट्रिएंट हमें मिलने चाहिए वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, दैट इज द रीजन उसको सोक करके खाना चाहिए। जब हम कहते हैं इसकी तासीर, तो हम तो सर्दियों में भी तो सोक करके खा रहे हैं, राइट? तो सर्दियों में तो हमें गर्म चीजें चाहिए, फिर हम सोक क्यों कर रहे हैं? इट इज जस्ट बिकॉज फाइटेट्स मूव कर दो और उसका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, राइट? लेकिन अगर किसी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो नहीं सोक कर पा रहे हैं तो क्या फिर हमें नहीं खाना चाहिए? नहीं, दैट इज नॉट रियली द ओके, बट यू स्टिल मस्ट हैव, बट इट इज बेटर टू सोक एंड हैव, यस, ओके। एक और चीज है, मैं देखती हूं पेशेंट्स को कि वो खुद ही बायोटिन सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं अपने, उनको लगता है हेयर लॉस है तो बायोटिन से सब हो जाएगा, आप कितना ज्यादा रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स फॉर हेयर लॉस? सप्लीमेंट्स फॉर हेयर लॉस एंड इवन इन जनरल आई डू रिकमेंड, एंड आई बिलीव दैट सप्लीमेंट्स शुड बी टेकन इफ ओनली योर डाइट इज नेचुरली नॉट एडिक्वेट इनफ, जो आपका न्यूट्रिशन जो चाहिए आपको, विटामिन मिनरल्स चाहिए, आपकी डाइट अगर उसको पूरा नहीं कर पा रही, इट इज डेफिनेटली वाइज टू टेक द सप्लीमेंट्स, बिकॉज आपने नहीं लिया आपकी डेफिशिएंसीज तो हो रही हैं। नाउ दीस डेफिशिएंसीज विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेयर लॉस एंड डल स्किन एंड इवन द जॉइंट्स पेन, सो आई डू रिकमेंड सप्लीमेंट्स, हाउएवर नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द होल फूड, राइट? यू नो मतलब खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से और विटामिंस की गोलियां पॉप कर रहे हैं, आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स एज आई वाज मेंशनिंग कि जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, बहुत कुछ ऐसा खा रहे हैं, बट वहां से विटामिंस खा के सोच रहे हैं बहुत हेल्दी कर रहे हैं। व्हाट यू डूइंग इज होल फूड्स का डाइजेशन बेटर होता है, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है देन द सिंगल न्यूट्रिएंट, ओके? बट आप सिंगल न्यूट्रिएंट को पॉप कर रहे हैं इवेंचुअली और उधर से आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो इवेंचुअली जो आपका लिवर और किडनी है दे गेट कॉम्प्रोमाइज, मतलब उन पे इफेक्ट आ रहा है, फिर आप लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए गोलियां खा रहे हैं, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज पीपल टेक इट लाइक टू फार, सप्लीमेंट्स अच्छे तो चलो खाते हैं, दैट अप्रोच हैज टू बी चेंज्ड। सो आई सजेस्ट सप्लीमेंट्स बट नॉट अबव होल फूड्स, राइट? आप होल फूड्स खाओ, नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंट्स खाओ। ऑल्सो मेक श्योर कि सप्लीमेंट्स जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाया पता चला कि डेफिशिएंसीज है, सो टेक इन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एडवाइज्ड डोज
फॉर द रिकमेंडेड ड्यूरेशन, रैंडमली नहीं. राइट. सप्लीमेंट्स भी ना, जैसे हाउ डू आई रिकमेंड, जैसे कोई वीगन है तो मुझे पता है कि इनका डाइट में प्रोटीन नहीं जा पा रहा है या इनके डाइट में बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी है, तो देन आई वुड रिकमेंड सप्लीमेंट्स. कोई पेरिमेनोपॉजल फेज है सो वी नो कि वहां पे सप्लीमेंट्स देंगे तो इनके सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे, सो देन सप्लीमेंट्स आर एडवाइज्ड. सो कुछ सप्लीमेंट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म है जो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए जरूरी है, बट एज आई सेड नेवर विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट मेडिकल एडवाइस. डर्मेटोलॉजी में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है. हम हमेशा बात करते हैं कि कोलेजन डैमेज हो रहा है या फिर हमारा मेलानिन कंटेंट बन रहा है, इन सब में ऑक्सीडेशन का बहुत रोल है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प यू फाइट दैट. हाउ कैन अ पर्सन इंप्रूव एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इन हिज बॉडी थ्रू डाइट? मेरे हिसाब से आप सब्जी मंडी जाओ, जितनी सब्जियां फ्रूट्स कलरफुल ब्राइट वो सब्जियां फ्रूट्स है ना, वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकी होती है, जब हम उसको बहुत स्मार्ट सा कोई इंग्लिश वर्ड देते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा कुछ खा रहा हूँ. वही टिंडा, वही बैंगन, वही भिंडी है, वही पेठा है, यू कॉल इट विद सम डिफरेंट नेम्स एंड टेक आउट द सप्लीमेंट्स, आई मीन टेक आउट द एंटीऑक्सीडेंट्स नेम, तो बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाते हो कि अरे मैं बहुत कुछ कमाल कर रहा हूँ. सो विजिट योर सब्जी मंडी, रिकॉल योर चाइल्डहुड, जब एप्पल में ब्राइट रेड कलर फील कर रहे थे, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट. ब्राइट ऑरेंज कलर फील कर रहे थे, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, जो भी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो भी हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हुआ, तो फ्री रेडिकल निकला, मतलब वन आयन लेस मॉलिक्यूल निकला, जो आवारा भवरे की तरह घूम रहा है और किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रप्ट करने के लिए रेडी है, तो नेचुरली तो बॉडी में वो क्वेंच हो जाएगा. स्कैवेंजर्स आर देयर, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसको निकाल लेंगे. बट गिवन द लाइफस्टाइल वी ऑल आर हैविंग दीस डेज, तो एंटीऑक्सीडेंट्स कम जा रहे हैं डाइट में. वी नीड टू हैव vitamin C, beta carotene, selenium, there is zeaxanthin, lutein, lysine, the king of antioxidants is astaxanthin, coq10. So why ye itne acche scientific name hai ki hame bahut zyada lagta hai ki kuch hai, but aap normally sabzi mandi jaake aapka broccoli, spinach, bell peppers, mushrooms, whole foods, ye sab kuch antioxidants hai, add them in your diet. And is it true that antioxidants get destroyed on while cooking? Not all. For example, tomato mein jo lycopene hai wo better hoga jab wo cooked form mein hai. Okay, so it has to be like really ब्रेन के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए ओमेगा 3 अच्छा है. देन आईज के लिए टू प्रिवेंट द मैक्युलर डीजनरेशन, उसके लिए ओमेगा 3 अच्छा है. हार्ट के लिए बिकॉज इट रिड्यूसेस द बैड कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए अच्छा है. गट स्किन एक्सिस की हम बात कर रहे थे, तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, तो गट के लिए है. इट्स एन इंटरनल सनस्क्रीन, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है. देर आर सो मेनी फंक्शंस, देर आर सो मेनी बेनिफिट्स, मतलब माइनर से लेके मेजर तक. इनफैक्ट पता है, आप जब सर्च करते हो जॉइंट पेन, टेक ओमेगा 3, सम मूड डिसऑर्डर, टेक ओमेगा 3, सम स्किन प्रॉब्लम, टेक ओमेगा 3, स्लीप प्रॉब्लम, टेक ओमेगा 3. सो इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया, बिकॉज एक कैप्सूल में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. सो टेक इट एज अ सप्लीमेंट, आई डू एडवाइस. हाउएवर टेक इट इन योर डाइट ऑल्सो, राइट, कि आप चिया सीड्स, फैटी फिश ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं, वॉलनट्स खा रहे हैं, बट मेक श्योर आप खा रहे हैं. सो होता यह है कि इन चीजों को हम थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं. कई बार तो मैंने देखा वो बहुत सारे हाउसहोल्ड्स में वो पड़ा हुआ है, बड़े बड़े रैंसेड भी हो गया, कंज्यूम नहीं हुआ. कैप्सूल हाउएवर थोड़ा कन्वीनियंट है, तो पॉप कर लिया एंड वी आर राइट. ओके, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है मैम कि मैं एक पार्टी में हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्किन मेरी प्रायोरिटी है, वो इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ माय माइंड, बट मुझे